गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मूल रोम संरचना एवं कार्य, यानी रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आइए देखते हैं इनके क्या क्या फंक्शन हैं और इनकी संरचना कैसी है। मूल रोम एपिब्लेमा की बाह्य भित्ति से अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होते हैं। मूल रोम यानी रूट हेयर्स एपिब्लेमा की बाह्य भित्ति से अतिवृद्धि यानी आउट ग्रोथ के रूप में उत्पन्न होती है, जो लंबे नलिकाकार तथा एक कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर संरचना यानी स्ट्रक्चर वाले होते हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति कोमल तथा बहुत पतली होती है। मूल रोम यानी रूट हेयर्स की जो सेल वाल होती है बहुत ही कोमल तथा बहुत पतली यानी थीन होती है। इसकी बाहरी सतह पेक्टिन तथा भीतरी सतह सेल्युलोज की बनी होती है। इनकी बाहरी सतह क्या, बाहरी सतह यानी सतह यानी सरफेस, बाहरी सतह किसकी बनी होती है पेक्टिन की, तथा भीतरी सतह किसकी बनी होती है सेल्युलोज की। पेक्टिन की बाहरी सतह द्वारा मूल रोम मिट्टी के कणों को मजबूती से जकड़े रहते हैं। किसके कारण, पेक्टिन की बाहरी सतह के द्वारा मूल रोम यानी रूट हेयर्स जो होते हैं मिट्टी के कणों को मजबूती से जकड़े रहते हैं, तथा सेल्युलोज की भीतरी सतह अंतः शोषण द्वारा अवशोषण में सहायक होती है। अंतः शोषण यानी एम्बिविशन के द्वारा अवशोषण में हेल्प करती है। मूल रोम के कोशिका द्रव्य में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में रिक्तिका यानी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिसमें कोशिका रस भरा रहता है। प्रायः मूल रोम जल अवशोषण हेतु अनियमित वृद्धि करते हैं। मूल रोम यानी रूट हेयर्स क्या करते हैं, जल अवशोषण हेतु अनियमित वृद्धि यानी ग्रोथ करते हैं, और मिट्टी के कणों के बीच वाले रिक्त स्थानों में उपस्थित जल के संपर्क में आ जाते हैं और जल अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये देखिए फिगर है, ये है रूट हेयर्स, ये देखिए यहाँ पे इसमें एपिब्लेमा हो गया, ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे है ये रूट हेयर्स, ये देखिए किस प्रकार से मिट्टी के कणों में ये है, यहाँ पे देखिए ये सॉइल पार्टिकल्स यानी मिट्टी के कण, ये यहाँ पे है सॉइल वाटर, ये देखिए यहाँ पे है एपिब्लेमा, यहाँ पे है यंग रूट हेयर्स। इसके आगे का अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।